आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और पहले तो थैंक यू, आप लोग मेरी रेसिपी देखते हैं और लाइक करते हैं, इसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही मेरी रेसिपी देखते रहिए, ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो कोई पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज मैं चिकन बना रही हूँ विदाउट कोकोनट, सिंपल। तो चलिए अभी बनाते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको चिकन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चिकन लिया है हाफ के जी, और दो तीन बार मैंने ठीक अच्छे से वॉश किया है इसको। और अभी मैं इसके है अंदर ठीक नमक आपका आपको जितना चाहिए आप उतना ही डालिए, नमक और हल्दी पाउडर। और ये नींबू, आधा नींबू डालेंगे, नींबू का रस, क्योंकि इससे स्मेल नहीं आएगी चिकन को। और अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और ज़्यादातर ये बोनलेस ही चिकन है, पीसीस हैं। अभी मैं इसको ये मसाला रेडी कर दूंगी। देखिए, ये हरा धनिया है, चार हरी मिर्च हैं, और अदरक अदरक है, और ये गार्लिक है, लहसुन लहसुन। हाँ, लहसुन। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिक्सचर में ये लहसुन और ये अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया पीस के लूँगी, इसका मसाला रेडी करके लूँगी और आपको बाद में दिखाती हूँ, अभी रेडी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मसाला पीस के लिया है, हमारा रेडी है मसाला। अभी मैं इसको चिकन में के अंदर डालूंगी। और अभी इसको हम कर देंगे मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ी मिर्च पाउडर डालूंगी, आप जितना तीखा खाते हो इतना उतना ही डालिए। और गरम मसाला थोड़ा, और धनिया पाउडर एक स्पून डाल रही हूँ मैं, दो डाल। और ब्लैक पेपर, अभी करेंगे मिक्स सब मसाले। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सब मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं चिकन को, और 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और अभी अगली प्रोसेस देखते हैं, अभी इसको ढककर रखती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। और इसमें मैंने क्या लिया है, ये प्याज लिए हैं, पांच पांच प्याज हैं मीडियम साइज़ के,
और इसको बारीक कट करके लिया है। और ये दो टमेटो लिए हैं, वो भी बारीक कट करके लिए हैं मीडियम साइज़ में। इसको प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने 5 लिए हैं। अभी कढ़ाई में तेल डालूंगी मैं, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तेल डाल रही हूँ 1 बड़ा सा चम्मच। और ये कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप जो चाहिए तेल डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और मैं थोड़ा सा इसके अंदर घी डालूंगी, 1 चम्मच, 2 चम्मच डाल रही हूँ घी। घी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ। और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा है हमारा प्याज। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा नमक डाल रही हूँ, तो जल्दी पक जाएगा ये। और मिक्स करेंगे हम, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ प्याज के अंदर, और मिर्च पाउडर थोड़ी सी। और थोड़ा सा गरम मसाला, अब करेंगे मिक्स सब मसाले को। और अभी ये मैं 2 मिनट के लिए पक कर लेती हूँ, और बाद में दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी प्याज हमारा पक चुका है, गोल्डन कलर का हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हमारे टमेटो हैं वो ऐड कर दूँगी, और इसको भी हम 5 मिनट के लिए पका के लेंगे टमेटो को। देखिए फ्रेंड्स, अभी सब ये मिक्स होना चाहिए मसाले। अभी मैं इसको ढक कर रखती हूँ, और बाद में आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं प्याज और टमेटो पका या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, टमेटो भी हमारे पक चुके हैं और प्याज भी। और अभी इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को अभी 20 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको मसाला भी लग चुका है। देखिए कितने अच्छे से मसाला लगा है। अभी इसको इसके अंदर डालते हैं चिकन को, और मिक्स कर देंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से लगना चाहिए इसको। तो देखें फ्रेंड्स, अभी सब ये मिक्स कर दिया है मैंने। अभी मैं इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी, और बाद में इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी देखते हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं इसको अभी पानी छूट रहा है, देखिए। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसके अंदर में ये थोड़ा सा मसाले का जो पानी है वो डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। और अभी इसके अंदर ये सुहाना चिकन मसाला डाल रही हूँ मैं, अपने के हिसाब से आप डालिए। और नॉन वेज मैगी क्यूब डाल रही हूँ मैं, आप भी डालिए तो मैजिक हो जाएगा। और अभी इसको कर देंगे मिक्स। और अभी मैं फिर से 5 मिनट के लिए ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, बाद में ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी देखते हैं चिकन हमारा पका या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, तो देखते हैं। वाओ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसके ऊपर हम ये हरा धनिया है वो डालेंगे। और मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे। और अभी मैं 2 मिनट के बाद गैस को कर दूंगी बंद और ये रेडी हो जाएगा। आप राइस के साथ खाइए, नहीं तो चपाती के साथ खाइए। और आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये चिकन रेडी हो चुका है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनती है। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अभी ये जो चिकन मैंने सिंपल बनाया है उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।